नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर रणनीतियां बना रही हैं और जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच महायुति के पदाधिकारियों ने डोंबिवली से भाजपा नेता रविंद्र चौहान की चौथी बार ऐतिहासिक जीत का दावा किया। पदाधिकारियों का मानना है कि डोंबिवली और आसपास के इलाकों में महायुति द्वारा किए गए विकास कार्यों का असर इस बार के चुनाव में दिखेगा और चौहान भारी मतों से जीतेंगे। अगर 2009, 14, 19 की विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर बार रविंद्र चौहान के मतों में लगातार वृद्धि हुई है। इस बार पदाधिकारियों का दावा है कि वे रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। डोंबिवली में आयोजित भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महायुति के संयुक्त प्रेस वार्ता में ये विश्वास व्यक्त किया। में जो 143 विधानसभा की जो उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई है, इसके बाद पार्टी की तरफ से या महायुति के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से आपसे संबोधित होना या आपके सुझाव लेना ये तय था, इसीलिए आपके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज जो भी बातें आपसे हुई है उसमें से जो जो सूचनाएँ ये विधानसभा के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है उसका अंतर्भाव करके आगे के कार्यक्रम हम ये करेंगे और आगे वापस आपसे वार्तालाप करने के लिए हम लोग मिलेंगे। किस तरफ की नाराजगी? अभी स्टेज में कुर्सियां लगाने को जगह कम गिर रही है तो नाराजगी कहाँ से आई? आता तुम्ही कल्याण लोकसभेचे इलेक्शनच्या वेळेस जर बघितलं असेल तर आपले लाडके खासदार श्रीकांत शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये सुतिका ग्रहाचं आपलं भूमिपूजन झालं आणि तिथे कॅन्सर हॉस्पिटल पण होणार आहे। नवीन नवीन सुविधा, नवीन नवीन गोष्टी या लवकरात लवकर या माहितीच्या माध्यमातून कल्याण डोंबिवलीत येतील। मला वाटतं ही खरं सगळ्यांची काळाची गरज आहे, प्राथमिक गरज आहे। सगळ्याच पक्षाच्या सगळ्या नेतेमंडळींनी एकत्रितपणे विचार करून पुढे भविष्यामध्ये ह्या चांगल्या सुविधा लोकांसाठी उपयुक्त होतील याकरता माहितीची सगळे नेतेमंडळी प्रयत्न करतात।